ब्रिजभूषण के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे पहलवान। जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट व अन्य पहलवानों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर दिल्ली पुलिस को सिंह के फैसले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की मांग की है। पहलवानों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उन्होंने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस को सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने याचिका दाखिल किए जाने का उल्लेख किया है। पीठ ने उन्हें मंगलवार को दोबारा से उल्लेख करने को कहा, क्योंकि उनकी याचिका सोमवार को उल्लेखित मामलों की सूची में नहीं थी। विनेश फोगाट और अन्य 7 पहलवानों ने शीर्ष अदालत से दिल्ली पुलिस को ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। देर रात खेल प्राधिकरण के अधिकारी खिलाड़ियों से मिले। कार्रवाई तक पीछे नहीं हटेंगे पहलवान।